हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में तो जी दिन है बुधवार का तारीख है अठारह अक्टूबर और आज है तीसरा नवरात्रा और हिमांके पापा नाइट ड्यूटी पे थे तो वो आए नहीं हैं और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपको इस तरह डर नहीं लगता है क्या इतने अंधेरे में आप उठ जाते हो तो सच बताऊं बिल्कुल भी डर नहीं लगता जब तक आप डर से डरोगे ना तो आप डर जो है आपको बहुत ज़्यादा डराएगा और जब आप डर से नहीं डरोगे ना तो कोई मतलब ऐसी चीज़ आपके मन में आएगी ही नहीं आपको ऐसा वैसा कुछ महसूस होगा ही नहीं तो डर से कभी भी डरना नहीं चाहिए और मुझे तो जो है वो एक लंबे टाइम से आदत हो गई अकेले रहने की गाँव में भी अकेली थी यहाँ भी मैं अकेली हूँ तो ओ, मतलब कब तक दूसरे के सहारे जो है वो मैं चलती रहूँगी एक न एक दिन जो है क्योंकि दो दो बच्चे हैं मेरे एक न एक दिन अकेला जो है वो चलना ही है हस्बैंड कहा था ये तो कम से कम अब इतना है कि एक दिन में दो दिन में तीन दिन में आ जाते हैं कोविड टाइम में तो मतलब पाँच पाँच छः छः एक एक हफ़्ता जो है वो हो जाता था इतने इतने दिनों में जो है वो आते थे और अच्छा एक ना बहुत अजीब सा कमेंट ही आया था ये तो औरत बिल्कुल पागल हो गई है मतलब सुबह दो दो मेम्बर्स की फैमिली और इतना जल्दी जो है वो उठ जाती है तो एक चीज़ को मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी और मुझे ना इस कमेंट को लेकर बिल्कुल भी गुस्सा सच कहूँ बिल्कुल मुझे हंसी आ रही थी कि मतलब इस तरह की बात जो है वो लोग कैसे सोच रहे हैं दो घर में भी क्या दो लोगों के साथ काम नहीं होता और हमारे मेरे घर में जो है वो चार मेंबर हैं दो मेरे बच्चे हैं मैं हूँ मेरे हस्बैंड हैं और कभी ना कभी मतलब हर चौथे पाँचवें दिन या हफ्ते दस दिन में मतलब किसी न किसी का जो है खाने का ऑर्डर आ ही जाता है चार लोगों का खाना जाना दो लोगों का खाना जाना है तो भाई काम मेरे पास बहुत होता है और झाड़ू और पोछा लगाने में ही पूरे इतने बड़े घर में जो है मुझे दो ढाई घंटे जो है वो लग जाते हैं अभी पागल तो वो इंसान होगा आई थिंक जो बिल्कुल भरी दोपहरी में झाड़ू पोछा करने लगेगा एक आ, काम आप जो है बिल्कुल तारों की छाँव में आराम से ठंडी हवा के बीच में करो और एक काम आप जो है धूप में करो और ऊपर से क्या होता है इतनी जल्दी काम करने से एक तो काम जल्दी फ्री होता है दूसरा क्योंकि क्या है कि अभी मैं फ्री हो जाऊँगी ना मतलब छः बजे तक मेरा डीजे का हो जाएगा उसके बाद जब मैं ऊपर जाऊँगी मुझे जो है साढ़े आठ बजे तक मतलब आप ये मान के छः से लेकर आठ बजे तक दो घंटे मेरे बच्चों के साथ ही जाते हैं और अभी मेरे चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हो क्योंकि मैं बड़ा मतलब पूरी मस्ती में अपने गाने वाने चला कर जो है वो मैं काम कर रही हूँ फिर बच्चे आठ बजे ही मांग चला जाता है सात बजे वरुण चला जाता है उसके बाद फिर कहीं मैं अपना भी खाना वाना जो है वो बनाती हूँ खाती हूँ और मतलब दस पंद्रह मिनट बैठती हूँ साढ़े आठ आधा घंटा मुझे मतलब आराम करने को मिलता है फिर वापस मतलब करीबन एक सवा घंटा डेढ़ घंटा क्योंकि किचन भी साफ़ करनी होती है झाड़ू पोछा वगैरह लगाना होता है इन सारे कामों भी में भी जो है मुझे एक डेढ़ घंटा जो है साढ़े नौ बजे तक मेरा सारा काम जो है वो खत्म हो जाता है और साढ़े नौ बजे भी मतलब कल जैसे धूप नहीं थी आज बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं धूप में काम करूँ तो कैसे करूँ और यहाँ पर जो है वरुण की मैं जो है सर्दी की जो वर्दी जो है वो निकाल रही हूँ और साथ में जो मैंने एक गदेला भी जो है वो निकाल दिया है ये इस तरह का गदेला है वो भी मैंने निकाल दिया है क्योंकि अब आज इनको मैं धूप निकाल लगा दूँगी और कुछ जो है सर्दी के जो ये कहते हैं ना कि हल्के फुल्के कपड़े जो है एक एक जोड़ी जो कपड़े होते हैं ना मैं हिमांग के निकालूंगी और वरुण की मैं फुल बाजू टी शर्ट होती है ना वो मैं निकालूंगी क्योंकि क्या है एक्टिवा पे जाते ना तो ठंड बहुत ज्यादा जो है वो लगे शाम के टाइम में और अब अब यह है कि करीबन बीस दिन एक महीना और एक्टिवा चलाऊंगी उसके बाद सर्दी में मैं एक्टिवा चलाती भी नहीं हूँ मुझे बहुत ज्यादा ठंड जो है वो लगती है अपना पैदल चलना जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ तो मैं यहीं यही यहाँ पे वही चेक कर रही थी कि मैं निकालू तो क्या निकालू बिल्कुल हल्का फुल्का तो बच्चों के पास ऐसा कुछ था ही नहीं तो और कल जो इतनी अचानक ठंड थी ना सुबह भी बहुत ही अच्छी मतलब मीठी मीठी जो है वो ठंड थी तो फिर बस ऐसे ही एक एक दो दो मतलब वरुण की टी शर्ट वग़ैरह निकाल दी फिर जो है मांग के लिए भी मैं कुछ ना कुछ ढूंढ ही रही थी तो एक एक मैंने जो है मांगांग के लिए भी निकाला और बच्चों की सॉक्स वगैरह जो है वो निकाल दी एक साथ मैं बहुत सारे कपड़े नहीं निकालूंगी तो उसको असेंबल करने में लगाने में धूप दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो जाने वाला है और कमेंट भी आया था दीदी आप अभी किसी तरह की और सफ़ाई बिल्कुल भी मत करना क्योंकि अभी काम लगेगा तो घर में बहुत ज़्यादा जो है वो सामान जो होता है ना वो बिखर जाता है और मतलब जगह जगह कूड़ा करकट जो लकड़ी के काम में तो कितनी धूल वो उड़ती है तो मतलब अजीब सा जो है वो हो जाता है तो अभी नहीं करना तो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली नीचे का मुझे करना था अब नीचे के काम से मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ बस इतना ये है कि रेगुलर बेस पे हल्का फुल्का जो डस्टिंग हम करते हैं ना वीकली वो मैं कर दूँगी तो दिवाली तक मेरा काम जो है वो बहुत अच्छे से चल जाएगा और करवा चौथ के सूट के लिए भी जो है वो कमेंट आया था तो करवा चौथ के सूट अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ हिमाग की बड़ी वाली जो बुआ हैं वो बीस तारीख को आएंगी तो उनके बाद जो है उनके साथ ही मैं जाऊँगी तो एक साथ ही जाकर जो है हम ले आएंगे और इस बार मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं कुछ मतलब होता है ना हर साल की बहुत अच्छा कुछ मैं लेके कर आऊँ या कुछ और इस बार से एक सोच रही हूँ कि मतलब बस एक सिला सिला जो है वो सूट ले आऊं ज्यादा कुछ मेरी खास इच्छा नहीं हो रही है और बस और अपने आप को भी जैसे मैं कहती हूँ कि आ, बीच में व्लॉग में भी मैंने आप बताया था कि आप मेरे चेहरे पर जो है वो स्माइल देख सकते हैं तो अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए और मतलब कोशिश करिए कि आप मतलब जितनी बार भी आप मुस्कुराएंगे ना आपका काम उतना आसान होगा और आप जो है टेंशन फ्री आपका मॉर्निंग रूटीन रहने वाला सच बताऊं कभी ट्राई करके देखना दिन में जितना आपका मूड अच्छा रहेगा जितना आप खुश रहोगे जितना आप खिलखिला के हंसोगे ना आप जो है उतना ही फ्रेश फ़ील करोगे आपकी मॉर्निंग रूटीन जो है वो उतनी ही अच्छी होगी आपको आपके आपके काम का बर्डन जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला है ये बहुत ही अच्छी ट्रेक है जो मैं अपनाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सुबह मैं भजन भी सुनती हूँ और जैसे मेरा भजन का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए जो मैं सुनती हूँ उसके बाद तुरंत मैं अपने हरियाणवी गाने लगा देती हूँ कुछ ऐसा लगा लेती हूँ जिससे मेरा मन खुश हो जाता है और अकेले रह के इंसान ना वैसे ही इतना ज़्यादा पक जाता है कि समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे मतलब बोरियत बीच बीच में मुझे भी इतनी महसूस होने लग गई थी अदरवाइज़ मैं पहले इन चीज़ों को बिल्कुल वो नहीं कर दी थी लेकिन बीच में अब मुझे इतना बोरियत महसूस होने लग गया था मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया मैंने जो है हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया काम 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 इन्हीं सारी चीज़ों में जो मैं फंस के रह गई थी जिससे मैं मुझे टेंशन हो गई चेहरे पर झुर होगी मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा तो वही इसलिए मैं कहती हूं कि मैंने जो फार्मूला अपनाया वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि खुश रहना सीखो जैसे आप लाइफ में खुश रहोगे ना आप आपकी ज़िंदगी आप मुस्कुराओगे आपकी ज़िंदगी मुस्कुराएगी आप मुस्कुराओगे आपके बच्चे मुस्कुराएंगे आपका घर मुस्कुराएगा आपका परिवार मुस्कुराएगा आपका दिन मुस्कुराएगा आप ये मान के चलिए और अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना आपको टेंशन फ्री रहना या फिर तनाव के साथ जो है आपको अपनी ज़िंदगी हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग नहीं गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब और एक वफे से वेलकम है आपके अपने चैनल में तो जी uh, इस वक्त जो है दोपहर के साढ़े तीन हो गए हैं ब्लॉग मेरा एडिट हो गया वो सवर हो गया लेकिन मैंने उसको एंड नहीं किया था बहुत बार क्या होता है ना कि काम 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 और काम में जो है बहुत बार हम आमने सामने बात करना जो है वो रह जाता है और जैसे मैंने आपको बताया आज के ब्लॉग में जो मैं अपनाती वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ तो uh, मोस्टली कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि आप जो है अकेले रह के भी इतना खुश कैसे रह लेते हो आप इतने जल्दी इतना काम कैसे कर लेते हो हमसे तो नहीं होता है तो ये कोई बड़ा गणित का सवाल नहीं है कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे थोड़ी सी मेहनत लगेगी थोड़े से दिन लगेंगे और एक रूटीन जब सेट हो जाएगा एक महीना दो महीने तीन महीने कितना भी लगे बस आपको धैर्य रखना है और उसी धीरज के साथ आपको जो है अपना काम करना है मतलब चाहे कितने भी दिन क्यों ना लग जाए आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको कि एक दिन हो गया दो दिन हो गए तीन दिन हो गए कि मेरा तो रूटीन सेट ही नहीं हो रहा है भाई ये एक दिन दो दिन या तीन दिन का काम नहीं है ये एक महीना दो महीना तीन महीने भी जो है वो लग सकते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ जो वो लाइनें पड़ती है ना तनाव की जो लाइनें होती है वो अपने माथे पर बिल्कुल भी ना आने दे मैं इतना सा ही कहना चाहूँगी क्योंकि जब ये लाइनें नहीं आएंगी तो आपका जो है चेहरे पे खिलखिलाहट आपके चेहरे पे स्माइल जो है वो बनी रहेगी जैसे फिलहाल जो मेरे चेहरे पे है और अभी ब्लॉक एड करूँगी यहीं पे क्योंकि टाइम हो गया बच्चों को ले जाने का तो वरुण को ट्यूशन छोड़ूंगी और हिमांक को थेरेपी क्लास के लिए लेके जाऊँगी और नहीं सॉरी थेरेपी नहीं राइटिंग क्लास के लिए लेके जाऊँगी और अभी ब्लॉग एंड करेंगे यही भी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय बाय में एक जो है वो एक चीज़ रह गई थी एक नहीं दो चीज़ें रह गई थी वो ये है कि एक तो कॉम स्ट्रेटनर के लिए कमेंट आया था कि दीदी आप कॉम स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ करते हो जो कंगे से बाल जो स्ट्रेट हो जाते हैं तो मैं गारों का ही यूज़ कर रही हूँ और जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो मैं हमेशा जो है आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करती हूँ जो भी चीज़ मैं और ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है मेरे बाल बहुत हैवी है लेकिन फिर भी दो स्ट्रोक में इतने अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं बट ये चीज़ जो है रेगुलर बेस पर यूज़ करने की नहीं होती आपके बाल जो रेगुलर बेस पर यूज़ करोगे तो खराब हो जाएंगे कभी कभी शादी और फंक्शंस में आप यूज कर सकते हो जो लिप बाम का मैंने शेयर करा था उसका प्राइस मैंने अभी चेक नहीं किया है प्राइस चेक करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो रिप्लाई कर दूंगी उसके लिए सॉरी सो कि मैं बिल्कुल दिमाग से कई बार होता ना आ, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें चल रही हैं तो उसकी वजह से दिमाग से थोड़ा सा जो है वो फिसल जाता है तो इसलिए थोड़ा सा वो रह गया और अभी ब्लॉग बाय-बाय करते बाय सबको बाय-बाय